कानपुर देहात में 13 फरवरी को तजावुजात मुखालिफ मुहिम के दौरान एक खातून और उसकी बेटी की जलकर हुई मौत के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करके सीबीआई से जांच कराने का मुतालबा किया गया। ये अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से मुखातिब है। अर्जी में मौके पर मौजूद तमाम अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई और मुतवफी के अहल खाना को मुआवजा देने का भी मुतालबा किया। लेटर पटिशन सुदेश और प्रयाग कानूनी इमदाद क्लिनिक के सदर राम प्रकाश द्विवेदी के जरिए दायर की गई है। ख्याल रहे कि 13 फरवरी को कानपुर देहात जिले के मडोली गांव में ग्राम सभा की जमीन पर गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ इनदामी मुहिम के दौरान एक खातून और उसकी बेटी की जलकर मौत हो गई थी। अर्जी गुजार गौरव द्विवेदी के वकील ने दावा किया है कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने एक बयान जारी किया है कि लैंड माफिया के खिलाफ शुरू की गई इंसदाद तजावुजात मुहिम के दौरान किसी गरीब को निशाना नहीं बनाया जाएगा। मजीद ये कि अगर ऐसे अफराद के पास जमीन नहीं है तो इंतजामिया की तरफ से उनकी बहाली की जाएगी, जो उन्हें पनाह फराहम करेगी और उन्हें महफूज मुकामात पर मुंतकिल करेगी।